हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। व्यूअर्स, ये 32x38 फीट कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सो इसका पिछले वाला वीडियोस आप देखना चाहते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मार्कआउट से लेके सब कुछ। अभी मैं आपको प्लान भी दिखाऊंगा, उसके साथ जो है डोर्स मेन डोर, बेडरूम डोर, बाथरूम डोर का पोजीशंस मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, खासकर विथ प्लान के साथ मैं आपको समझा दूंगा। लेटस से सो आज मैं आपको विथ प्लान के साथ दिखाऊंगा और इनका ही वर्क चल रहा है, इनका घर का ही। सो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इधर जो है इनका ही प्लॉट है यहाँ पर, ओके। और एक चीज़, ये नॉर्थ से एंटर हो गए, आपका कार पार्किंग, ठीक है। कार आपको इजीली आप बिठा सकते हैं, नॉर्थ एंट्रेंस दिया गया। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका हॉल का साइज़ आपको लगभग जो है 15x13x6 तक मिल रहा है। यहाँ से एंट्रेंस दिया गया घर के अंदर, किचन 11x6x10 का, एंड उसके साथ इधर डोर इस कैंसिल करके जो है यहाँ पर डोर लिया गया, ठीक है। इधर से देखिएगा, ये आपका बेडरूम नंबर 1 11x6x14x6 का एक बेडरूम, और उसके साथ ही देखिएगा यहाँ पे एक सेकेंड। इस बेडरूम को जो है आप बेडरूम भी बना सकते हैं, या फिर जो है ये कॉर्नर प्लॉट है ना, तो शॉप भी बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शनल। और इन फ्यूचर में इनका ही जगह है तो एक्सटेंड आप कर सकते हैं यहाँ से, कंटिन्यूएशन करके इधर रूम भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। यहाँ पे एक टॉयलेट रूम या बाथरूम या फिर आप पूजा रूम जो चाहे आपके हिसाब से ले सकते हैं। इस किचन को जो है इधर एल शेप ऐसा लीजिएगा, ठीक है। इधर जो है डोर आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से आप यूटिलिटी वैसा कुछ भी कर सकते हैं काम। अभी मैं आपको इसका रियल वॉक थ्रू दिखाऊंगा बाहर से, उसके साथ ही मेन डोर डोर का साइज़ भी बताऊँगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बताया था ना, वो आपका मेन रोड था, कॉर्नर प्लॉट है, वो भी उनका एक्सटेंडेड जगह है। फिर वहाँ से ये आपका रोड आता है, रोड से जो है एंटर करते हैं आप इधर, यहाँ पर आ जाएगा आपका पार्किंग एरिया, कार पार्किंग एरिया, जो आप चाहे वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद अब देखिएगा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बेसमेंट का हाइट। बेसमेंट हाइट अभी यहाँ पर रोड नहीं हुआ है, ठीक है, रोड नहीं हुआ बोल के लगभग 6 से 7 फीट हाइट लिया गया, बिकॉज़ यहाँ पे रोड हो गए तो अभी लगभग 1 फीट तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा, बिकॉज UGD भी नहीं हुआ है, ओके। तो 1 फीट तक तो 1 फीट तो ऊपर उठेगा। फिर उसके बाद ये पार्किंग जो है ना, पार्किंग का हाइट जो लिया गया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पत्थर, तो 9 इंच का 5 पत्थर है, 9x45 इंचेस हाइट है, ओके। तो 3 फीट तक लगभग, 3 से 4 फीट मान लीजिएगा, ठीक है, 3-4 फीट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। एंड घर के एंट्रेंस के लिए जो है स्टेप्स आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंटर होते हैं यहाँ पर, ये आपका वेल बोरवेल जो यहाँ पे कॉर्नर की तरफ लिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंटर होते हैं घर के अंदर, ओके। तो एंट्रेंस पे जो है यहाँ पर कट्टा आ जाएगा वो कॉर्नर की तरफ मेन डोर। अभी मैं आपको साइजेस बताऊंगा। तो देखिए वर्स, ये सेपरेट टैंक कॉर्नर की तरफ लिया गया, सेपरेट टैंक साउथ और ईस्ट कॉर्नर की तरफ, एंड इसके ऊपर इस स्टेयरकेस आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ये आपका मेन डोर, टोटल जो है 5'6" तक लिया गया। अगर आप हो सका तो 5 फीट भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर जगह ज़्यादा छोड़िएगा, कम मत छोड़िए कभी भी मेन डोर लेना है तो, ठीक है। बाद में आप एक ईट बिठा के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो 5'6" लेगा। उसके बाद इसके बाजू में एक वर्टिकल विंडो आता है यहाँ पे स्ट्रेट टू स्ट्रेट। उसके बाद आपका डोर, टू ओपनिंग लिया तो कब टू ओपनिंग लेना, कब सिंगल ओपनिंग लेना चाहिए, जब आपका डोर दीवार की तरफ लग रहा है एंड आपको जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड वे में हो रहा है तो आप टू ओपनिंग ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से आपका हॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेन डोर आ जाता है। फिर उसके बाद ये किचन में एंट्रेंस था। सो ये हॉल के बाद नेक्स्ट जो है आपका किचन आता है। किचन की तरफ जो है यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम, कुछ एडजस्टमेंट प्रपोज। अगर आपका मेन डोर वहाँ पे आया, आप 3.5 फीट का मेन डोर लिए तो ओपन करें थोड़ा सा लगने का चांसेस रहता, तो आप टू ओपनिंग लीजिएगा उस वक्त, तो मैं रीज़न वही है। एंड यहाँ पे ओपनिंग रखा गया 3 फीट 3 इंच या फिर 3 फीट 6 इंच का। सो ये जो ओपनिंग है ना दोस्तों,
यहाँ पे कोई डोर नहीं रहेगा, तो ये यहाँ से एंटर हुए आप किचन के अंदर। सो किचन से आप स्टेट टू स्टेट भी वहाँ पे भी डोर ले सकते हैं, या फिर ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना यहाँ पे भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे क्यों जगह छोड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपका टॉयलेट रूम आ रहा है वहाँ पे 4x7 फिट का टॉयलेट रूम, एंड ये किचन का हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, तो प्राइवेसी मेंटेन पर्पज जो है यहाँ पे एक टॉयलेट रूम लिया जा रहा है, इतना ये सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, यहाँ जितना भी जगह है ना यहाँ पे जो है एक बेडरूम लिया जा रहा है, और बेडरूम के लिए एक प्राइवेसी चाहिए, तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पे भी एक डोर आ रहा है, 3 फीट 3 इंच का ओपनिंग रखा गया है प्रेजेंटली, एंटर हो गया। अगर आप चाहे तो हॉल से भी रख सकते हैं, हॉल में क्या है ये जो एक बेडरूम या फिर एक शॉप भी बना सकते हैं आप उस तरफ, बिजनेस पर्पस कौन सा भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप रख सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या है स्टेट टू स्टेट प्लान के अनुसार यहाँ पे एक टॉयलेट रूम, बाथरूम या फिर जो पूजा रूम जो चाहे आप ले सकते हैं इस कॉर्नर पर। उसका साइज़ 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट तक लगभग ले सकते हैं, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। एंड उसके साथ ही इधर जो है आपको 4x4 का जगह मिल जाएगा इजीली, 4x3 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक शॉप आ जाता है, इतना इतना सारा पोर्शन में एक शॉप। फिर उसके बाद जो ओपनिंग रखा है यहाँ से आप जाके, और एक बेडरूम में डोर चाहिए था उनको सपोज़ इन फ्यूचर कुछ दिक्कत होने की वजह से, ओके तो यहाँ पे 2 ओपनिंग लेना चाहिए, बिकॉज इधर उस तरफ भी दीवार नहीं है इस तरफ भी दीवार नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है आप 2 ओपनिंग लिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बेडरूम भी काफ़ी कंफर्टेबल स्पेसियस, जैसे एक हॉल के जैसे ही लग रहा है मुझे तो, बट इन फ्यूचर में क्या है शेल्व्स आने की वजह से थोड़ा सा जगह कम होने का चांसेस रहता। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको पैसेज टॉयलेट रूम पैसेज ऐसा हो जाएगा, तो एक शॉप। तो ये था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन ब्रीफली, और एक मैं समझा दूंगा, अगर टॉयलेट रूम का डोर रहा तो 2 फीट 9 इंच, बेडरूम का डोर रहा तो 3 फीट 3 इंच ओपनिंग छोड़ दीजिएगा, जस्ट ओपनिंग रखना है किचन के अंदर जाने के लिए, 3 फीट 3 इंच काफ़ी हो गए कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेन डोर रहा तो आप 5 फीट कम मिनिमम 4 फीट 6 इंच से लेके 7 फीट तक भी आप रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस हाउस, एंड उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।